नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में। दोस्तों, आप बहुत सारी एनालिसिस करते हैं उसके बाद स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, लेकिन आप याद रखिए जो आपका कॉमन स्टॉक्स है, जो आप कॉमन सेल से स्टॉक को पिक कर सकते हैं, उतना बेहतरीन स्टॉक कभी भी आप पिक नहीं कर पाएंगे। तो बस कॉमन सेंस से स्टॉक को पिक करना है कि जो बिजनेस में आपको ग्रोथ दिखता है, जो लग रहा है कि आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रोथ होगा, जैसे इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रोथ होगा, और जो आईटी सेक्टर है आने वाले समय में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का डिमांड बढ़ेगा, साथ ही साथ जो फूड सेक्टर है, हमारा जो जनसंख्या है लगातार बढ़ रहा है, तो फूड सेक्टर जो है उसमें डिमांड हमेशा बना रहेगा। तो फूड सेक्टर से ही एक बेहतरीन स्टॉक हम लेकर आए हैं जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न आने वाले समय में देगा। पीछे की बात हम बहुत सारी वीडियो में करते हैं कि इस स्टॉक ने इतना रिटर्न दिया है, ये आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा। जैसा कि रिटर्न आपको डाबर में देखने मिला है, एक्चुअल में देखने मिला है, तो वैसा ही मल्टी बैगर रिटर्न जो है आने वाले समय में ये स्टॉक्स आपको देगा। देखिए, 2010 में ये कंपनी लिस्ट होती है, इसका आईपीओ प्राइस जो भी रहा हो उससे कोई मतलब नहीं हमें। यहाँ पर जो चार्ट पे प्राइस दिख रहा है, मतलब जो लिस्टिंग गेन प्राप्त होने के बाद जिस प्राइस पे स्टॉक लिस्ट हुआ है, वह 83 रुपीज, ये एडजस्टेड प्राइस है। कंपनी ने बोनस शेयर दिया है, बोनस के बाद ये एडजस्टेड प्राइस है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1:1 का बोनस दिया था इस कंपनी ने, तो ये एडजस्टेड प्राइस है, एक्चुअल प्राइस कुछ और ही था, लेकिन चार्ट पे हम उसी को देखेंगे जो एडजस्टेड प्राइस है। तो यहाँ देखिए 83 रुपीज, या कि ये 170 रुपीज पे ही आप बाय किए रहते तो नंबर ऑफ शेयर डबल हो जाते, तो इसीलिए उस बात को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, सीधा प्राइस लेते हैं। 83 रुपीज पे ये स्टॉक लिस्ट हुआ, और डायरेक्ट देख सकते हैं ये स्टॉक ऊपर का ट्रेंड पकड़ा। यहाँ पर स्टॉक ना तो साइड बेज हुआ, ना तो डाउन गया, डायरेक्ट ये अप साइड गया ये स्टॉक, और यहाँ पर देख सकते हैं ये हाई बनाया डायरेक्ट 84 रुपीज से डायरेक्ट 920 रुपीज का, और ये हाई बना आपको 2015 के लास्ट 16 के शुरुआत में, और यहाँ से फिर ये स्टॉक्स यहाँ पर गिरावट दिखाता है, और ये स्टॉक यहाँ पर आ गया मात्र 400 पर, 50% से ज़्यादा का गिरावट। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे जो इन्वेस्टर हैं वो भी पैनिक होकर के स्टॉक को बेच देते हैं, क्योंकि जो 50% का गिरावट है, जहाँ स्टॉक 900 से भी ऊपर था वहाँ 400 आ गया, 50% से भी ज़्यादा का गिरावट 2016 और 17 के शुरुआत तक में। आगे देखिए, यहाँ से जब स्टॉक इतना ज़्यादा रैली किया है 84 रुपीज से 920 रुपीज तक, तो यहाँ पर करेक्शन तो बनता ही, उसका रीज़न हो सकता है प्रॉफिट में गिरावट हुआ हो, या टेम्प्रोरी कोई इश्यू आ गया हो कंपनी में, कोई ना कोई रीज़न होगा, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स खराब नहीं हुए। कंपनी का कोई भी फूड स्टोर बंद नहीं हुआ, कंपनी के सेल्स में कोई मतलब गड़बड़ी नहीं आया, कोई कंपनी का जो दूसरा कंपटीटर है वो मार्केट में डोमिनेट नहीं किया, तो यहाँ पर हमें रीज़न नहीं बनता है इस स्टॉक से एग्जिट करने का, बल्कि यहाँ पर और गिरावट आया तो और यहाँ पर बाय करने का। अब यहाँ पर 400 से बाय करते तो ये देखिए स्टॉक डायरेक्शन जो पकड़ा है, यहाँ पर डायरेक्ट फिर से ये स्टॉक यहाँ पर 200% तक का अपसाइड रैली दिखाया, 200% से भी ज़्यादा का। फिर यहाँ पर कुछ दिनों के लिए साइडवेज हो गया, कुछ दिनों के साइडवेज होने के बाद फिर एक साल में स्टॉक जो यहाँ जो रैली दिखाया है वो आप देख सकते हैं लगभग ये 2.5 गुना हो चुका है, और अभी इसका करेंट प्राइस है 3162 रुपीज। अब देखिए, अभी ये 3162 है, जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया शुरुआत में, क्योंकि कंपनी का बिजनेस जो है शुरुआत ही ऐसा है जिसको आप बाय कर सकते थे आईपीओ के लिस्टिंग के वक्त ही, क्योंकि इसके पास जो है डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी है, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है और जो कि अपने आप में एक मोनोपोली बिजनेस है, और ये कंपनी है जुबिलेंट फूडवर्क। पहले इस कंपनी का नाम डोमिनोज पिज्जा इंडिया हुआ करता था, जो कि बाद में बदल करके नेम को जुबिलेंट फूडवर्क किया गया। तो इस तरह के बेहतरीन चार्ट है जिसमें सिर्फ एक बार गिरावट देखने मिला, और वो भी गिरावट पिछला जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया। देखिए, पीछे भी ये लो बना करके एक बार ऊपर गया था यहाँ पर 2014 में, उस 14 के लो को इस स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक जो चार्ट पे भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, और आगे चल करके हम बिजनेस का एनालिसिस करेंगे उस पे भी आपको ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन बिजनेस में दिखेगा। तो ऐसे बेहतरीन बिजनेस में ही आपको इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, सर 2 रुपये का शेयर बता दीजिए जो कि मल्टी बैगर बन जाएगा। देखिए, 2 रुपये के शेयर में भी आपको
उतना ही रिस्क है, उतना ही पेशेंस रखना पड़ेगा वहां पे भी मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त करने के लिए जितना कि यहां पर रखना पड़ रहा है। हाँ, आप अगर ट्रेडर बन जाते हैं, चार्ट के अनुसार ट्रेड कर लेते हैं तो वो अलग बात। अब देखिए कोई ट्रेडर है यहाँ पर, वो जैसे ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से ब्रेकआउट देता है, कोई यहाँ पर बाय करता है 630 रुपीज पे और यहाँ पर सेल कर देता है 1500 पे, तो वो निकल गया, यहाँ पर उनका टाइम लैप्स नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं। जो आपको हर समय लेना है बेचना है, एक बार अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से आपका काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा ये सारे स्टॉक जो इस तरह के बेहतरीन मोनोपोली बिजनेस वाले स्टॉक होते हैं। अब एक कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं। कंपनी के फंडामेंटल तो काफ़ी ज़बरदस्त हैं, कंपनी के फंडामेंटल में कहीं कोई इश्यू नहीं है। इतना बड़ा पैंडमिक लगभग एक साल से अधिक हो चुका है और जो पैंडमिक के कारण है इस सेक्टर की सारी कंपनियों पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है, जो फूड मतलब जो फूड बेचने का काम करती है, जबकि इस कंपनियों पे कुछ खास ज़्यादा पैंडमिक का असर नहीं पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर बात करें मार्केट कैप का, सबसे पहले मार्केट कैप देखिए कंपनी कितनी बड़ी है, फूड जो हमारी कंपनी है वो कितनी बड़ी है, तो 42,000 करोड़ मार्केट कैप है कंपनी का। तो कंपनी एक लार्ज कैप है, मतलब इसमें हमको उतना रिस्क भी नहीं है क्योंकि कंपनी बिजनेस में भी वेल एस्टेब्लिश्ड है और कंपनी का यहाँ पर दिख रहा है कि कंपनी एक लार्ज कैप बन चुकी है। लार्ज कैप दिखाता है कंपनी काफ़ी ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड है, जो कि इसके हम बिजनेस से भी जानेंगे कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है या नहीं है। अब देखिए दूसरी बात, जो कंपनी का में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 41.9% है, तो 40% होल्डिंग है तो अच्छा है क्योंकि यह बहुत बड़ी कंपनी है, साथ साथ एक ग्रुप की कंपनी है। जुबिलेंट ग्रुप में आपको कई सारी कंपनियां दिखेंगे, जुबिलेंट जो भाटिया ग्रुप है उसमें आपको 3-4 लिस्टेड कंपनियां मिल जाएगी, तो इसमें उतना इश्यू नहीं है कि 60% से ज़्यादा हो। ये लार्ज कैप कंपनियां हैं और एक ग्रुप की कंपनियां हैं तो इसमें चलेगा, जो 42% के आसपास स्टेक है तो काफ़ी अच्छा है। प्लीज परसेंट 2% है तो कोई दिक्कत नहीं, 5% 10% प्लीज हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ तो मात्र 2% है तो कोई इश्यू नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 1.14% है। यह डेट टू इक्विटी किसके कारण है, कोरोना पैंडेमिक के कारण। अगर आप इस पैंडेमिक को हटा दें तो ये कंपनियाँ एकदम वर्चुअली डेट फ्री कंपनियाँ थी, लेकिन इस पैंडेमिक के कारण जो है कंपनी के ऊपर डेट आया है वो है 1,620 करोड़ का और कंपनी के पास रिजर्व है 1,295 करोड़ का। कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी है 517 करोड़ का। अब देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड की बात है 16% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है, जो कि हम पीछे मतलब आगे चलेंगे तो देखेंगे कि ये इस किस तरह से रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड और रिटर्न ऑन इक्विटी चेंज हुआ है, क्योंकि अभी तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी कम हो चुका है तो इसके कारण से प्रभावित हो सकता है, तो इसलिए आगे चलकर हम देखेंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड कितना था। ऐसे भी 15% से ज़्यादा हो तो अच्छा है, अगर 20% से ऊपर हो तो वो काफ़ी बेहतरीन है, और कई सारी कंपनियों को तो आपको 30% से भी ऊपर मिलेंगे, लेकिन अभी पैंडमिक कारण ये सब कंपनियों के जो इतना है रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड तो काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि अभी कंपनी के बिजनेस काफ़ी प्रभावित है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं, कंपनी के सेल्स को देख लेते हैं। पहले कंपनी का सेल्स देखना काफ़ी जरूरी है, कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है या नहीं। 2010 में देखिए मात्र 424 करोड़ का सेल्स था, जो कि देखिए लगातार इंक्रीज हुआ, लगातार इंक्रीज हुआ, लगातार इंक्रीज हुआ, और यहाँ देखिए मार्च 2020 4,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। सिर्फ यहाँ पर 2020 में 4,000 करोड़ और एक साल से पैंडमिक है तो भी कुछ गिरावट नहीं आया, क्योंकि लोग होम डिलीवरी में पिज्ज़ा मंगाते ही हैं, जबकि और सारी कंपनियां जो है उनकी तो बिजनेस पूरी तरह से बंद है, ये कंपनियों का होम डिलीवरी बिजनेस अभी भी चालू है, तो अभी भी सेल्स में कुछ खास गिरावट नहीं आया है, जबकि एक साल से सारे के सारे बिजनेस बंद हैं। कई सारी कंपनियां तो निगेटिव में है, मतलब लॉस में है, ये कंपनियां अभी भी प्रॉफिट में है। देखिए यहाँ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ मात्र 33 करोड़ का था 2010 में, जो कि बढ़ के डायरेक्ट 10 टाइम्स हो गया 2019 में, डायरेक्ट 10 टाइम्स देख सकते 10 ईयर्स और जो प्रॉफिट है वो 10 टाइम्स। बस पैंडमिक के कारण थोड़ा सा प्रॉफिट में यहाँ डिक्रीज हुआ है, कुछ खास डिक्रीज नहीं है। देखिए screener.in पे अगर आप देखते हैं तो सबसे बेहतरीन बातें आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, सारे चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएगा रेडीमेड रूप में। सेल्स ग्रोथ जो कंपाउंड सेल ग्रोथ है, देखिए कंपाउंडेड हुआ है यहाँ पर 70% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 10 साल में। देखिए लॉन्ग टर्म में भी दिखा रहा है, 5 ईयर्स में भी 6% दिखा रहा है। ये कम क्यों है 5 ईयर्स में,
ये 17% ही क्यों है? क्योंकि एक साल से काफ़ी ज़्यादा सेल्स प्रभावित हुआ है, नहीं तो ये आपको 20% दिखता 10 ईयर्स में, ये आपको लगभग यहाँ पर भी आपको 5% ग्रोथ दिख जाता। आप देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 12% दिखा रहा है, ये भी आपको 15% दिखता अगर ये डिक्रीज नहीं होता इस साल तो। अब देखिए प्राइस, स्टॉक का प्राइस कितना जो हमें मिलता है रिटर्न, मतलब हम तो स्टॉक को प्राइस पे बाय करेंगे, तो प्राइस का जो CAGR ग्रोथ है वो 23% है, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा प्राइस में ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पर, यही तो हमें चाहिए। 5 ईयर्स में तो 44% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रहे है। दोस्तों 20% मिल जाए यही काफ़ी है, यहाँ तो 44% का CAGR मिल रहा है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है, इधर ही लास्ट ईयर से ही हर चीज़ में देख सकते हैं डिक्रीज देखने आपको मिलेगा। और नीचे चलते हैं तो कंपनी के बैलेंस शीट काफ़ी बेहतरीन है। बैलेंस शीट में आपको देखना होता है कंपनी के पास एसेट ज़्यादा है या लाइबिलिटीज ज़्यादा है, तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी के पास जो एसेट है वो ज़्यादा है या लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें देखना आपके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज़ ज़रूर देखिए। तो कंपनी के पास जो डेट है वो देख सकते हैं यहाँ पर, मार्च 2020 से ही कंपनी के ऊपर डेट आया है, पहले बिल्कुल डेट नहीं था, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी था। कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा है, 1295 करोड़ का रिजर्व है, तो हर पैरामीटर पे कंपनी आपको काफ़ी बेहतरीन दिखेगा। अब कंपनी के पास कैश फ्लो देखते हैं, कंपनी के पास कैश है या नहीं है, तो देखिए कंपनी यहाँ पर लगातार कैश रिच कंपनियाँ थी, लेकिन इस बार 2021 में थोड़ा सा कैश फ्लो निगेटिव हुआ है, मतलब कंपनी के पास कैश इस बार नहीं आया है, कम हो चुका है, तो इस बार कैश फ्लो थोड़ा निगेटिव है, लेकिन कंपनी अच्छा खासा है, कैश कंपनी के पास हमेशा रहता है। और जो सबसे बेहतरीन बात है डेबिटर्स डेज, मतलब कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है तो कितने दिन में कंपनी को रुपया वापस मिलता है, तो मात्र 2 दिन में। एक होता है कंपनी जो है आप देखेंगे कि कंपनी सामान देती है और 3 महीने बाद 4 महीने बाद कंपनी को वापस रुपया मिल रहा है जिसको सामान दिया। यहाँ तो कंपनी आज देती है सामान, कल और परसों कंपनी को रुपया वापस आ जाती है, या तो कहिए ये कंपनी डायरेक्ट कैश में काम करती है, क्योंकि जो पिज्ज़ा बेचती है वहाँ पर कोई आप उधार तो मांगते नहीं है, उधार तो देती नहीं है कंपनियाँ, तो डायरेक्ट ये कैश रिच कंपनियाँ है, तो इस कंपनी को कोई कैश की दिक्कत नहीं है। तो हमेशा कैश फ्लो आप देखता रहिए, कैश फ्लो लगातार अगर निगेटिव होता है तो फिर आप इस कंपनी में एग्जिट कर सकते हैं, जब कंपनी में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा तभी आपको लगातार कैश फ्लो निगेटिव देखने मिलेगा। यहाँ देखिए एक बार कैश फ्लो निगेटिव आया तो दूसरे बार काफ़ी बेहतरीन रूप से कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव होता हुआ देखने मिलता है, तो अगले बार हमें भी देखना पड़ेगा कैश फ्लो यहाँ पॉजिटिव होता है या नहीं। देखिए प्रमोटर का स्टेक 2019 में ही थोड़ा सा कम हुआ था और लगभग प्रमोटर का स्टेक कॉन्स्टेंट है, तो ये ओवरऑल जो फंडामेंटल जो रेशियो देखते हैं, प्रॉफिट लॉस देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं और प्रमोटर्स का स्टेक देते हैं, ये हो गया। अब कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं, कंपनी बिजनेस करती क्या है और कंपनी का बिजनेस कैसा है। इसके लिए आपको जुबिलेंट फूडवर्क के वेबसाइट पे आना पड़ेगा, यहाँ पर आप कंपनी के प्रोफाइल पे जाकर के कंपनी के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं, कंपनी कब स्टार्ट हुई, किस तरह से ग्रो किया। यहाँ पर देखिए जो कंपनी के पास मुख्य बिजनेस है वो है डोमिनोज पिज्जा, 3 इंटरनेशनल ब्रांड की ये फ्रेंचाइजी है, 3 इंटरनेशनल ब्रांड, पहला डोमिनोज का, दूसरा डंकिन डोनेट्स का, हॉन्क्स किचन का, 3 इंटरनेशनल ब्रांड है जिसकी ये फ्रेंचाइजी है, तो आप समझ सकते हैं कंपनी का बिजनेस जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो सबसे मुख्य बिजनेस जो कि रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है कंपनी का है, वो है डोमिनोज पिज्जा। देखिए इन सब जिसको कितना कंट्रीब्यूशन होता है नंबर में जानने के लिए आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट हमेशा पढ़िए, उसमें कंपनी आपके आने वाले समय के बारे में बताती है, क्या मतलब कंपनी का विजन है, कंपनी किस तरह से कहां से कैश लाती है, कहां खर्च करती है, हर चीज़ आपको वहां पर देखने मिलेगा, तो एनुअल रिपोर्ट को ज़रूर पढ़िए। तो डोमिनोज पिज्ज़ा 1996 में कंपनी फ्रेंचाइजी ली, डोमिनोज इंटरनेशनल पिज्ज़ा की फ्रेंचाइजी, और धीरे धीरे ये पूरा जो है इंडिया के लिए, श्रीलंका के लिए, बांग्लादेश और नेपाल 4 देशों की फ्रेंचाइजी कंपनी ने ले ली। वहीं डंकिन डोनट्स इसके भी फ्रेंचाइजी है कंपनी के पास, कॉफी, बिहेवियर, सैंडविच ये सारी चीज़ें बेचती है। फिर हॉन्क्स किचन इसकी भी फ्रेंचाइजी है कंपनी के पास, इसके तहत ये कंपनी ने रेस्टोरेंट खोला है और गुरुग्राम में फर्स्ट रेस्टोरेंट 2019 में ही खोला है, जिसे धीरे धीरे ये फ्रेंचाइजी भी इसकी बढ़ती है इंडिया में, तो यहाँ से भी रेवेन्यू कंपनी का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। फिर यहाँ पर देखिए कंपनी जो है 3 अपने ब्रांड को भी लॉन्च किया है, देखिए चीफ बॉस कंपनी ये ब्रांड एक लॉन्च किया है, दूसरा एकदम ये बिरयानी
मतलब इस ब्रांड के तहत कंपनी एकदम के तहत बिरयानी बेचती है। ये पॉपिंग एस ये भी कंपनी एक लॉन्च की है जिसके तहत बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में रेस्टोरेंट ओपन कर रही कंपनी। तो ये सारी कंपनियों के ब्रांड हैं, मतलब कुल 6 ब्रांड है जिससे कंपनी अर्न करती है और 6 ब्रांड के तहत अलग अलग चीज़ें कंपनी बेचती है, अलग अलग चीज़ें सर्व करती है। और कंपनी के ग्रोथ को देखना हो तो कंपनी के ग्रोथ को देखने के लिए यहाँ पर माइलस्टोन पे जाएंगे, क्या क्या माइलस्टोन कंपनी अचीव किया है, तो सारे माइलस्टोन आपको देखने मिल जाएंगे कंपनी कौन कौन से माइलस्टोन को अचीव किया। देखिए 95 में सबसे पहले फ्रेंचाइजी ली डोमिनोज पिज्जा इंडिया लिमिटेड के रूप में, फिर 96 में फर्स्ट पिज्जा स्टोर खोला गया और कंपनी जो है प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। 1998 में डोमिनोज पिज्जा का जो फ्रेंचाइजी है पूरे भारत के लिए, पहले जो यहाँ पर था सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट रीजन के लिए था, मतलब जो उत्तर और पश्चिमी भारत है उसके लिए था, फिर होल इंडिया के लिए 1998 में एक्सटेंड किया गया फ्रेंचाइजी को, फिर अलग अलग ईयर में 2000 में, फिर 2004 में क्या हुआ कंपनी के साथ, फिर 2006 में क्या क्या कंपनी ने, यहाँ पर सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। देखिए 2006 में 1000 रेस्टोरेंट कुल क्रॉस कर चुका था कंपनी, देखिए लगातार ग्रोथ यहाँ पर दिखा रहा है। 2009 में नेम को चेंज किया गया, जो डोमिनोज पिज्जा इंडिया था उसे जुबलेंट फूडवर्क बना दिया गया नाम, मतलब नाम को चेंज कर दिया गया जुबलेंट फूडवर्क में। फिर यहाँ पर आगे चलते जाइए तो 2010 में IPO आया, 2011 में देखते हैं डंकिन डोनट्स का फ्रेंचाइजी लिया गया जुबलेंट फूडवर्क के द्वारा, फिर यहाँ पर 2012 में कंपनी 500 रेस्टोरेंट को ओपन कर चुका था। वहीं 2000 आपने 6 में देखा मात्र कितना था 100 रेस्टोरेंट, 2012 में 500 रेस्टोरेंट हो चुका है। 2013 में यहाँ पर देखिए डोंकी डोनट्स यहाँ पर लंच किया गया डोंकी डोनट्स, और फिर 2014 में 700 रेस्टोरेंट कुल हो गया कंपनी के पास, 2016 में 1000 रेस्टोरेंट हो गया। अब देखिए कंपनी कितनी तेजी से एक्सपेंड हो रही है। उसी तरह आप कंपनी के बारे में आप देख रहे 2018 में कमर्शियल प्रोडक्शन कमांडेड फ्रॉम मेगा कमिश्नरी एट ग्रेटर नोएडा, तो ग्रेटर नोएडा में कंपनी का अपना जो है बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट बनाया तैयार हुआ जहां से अब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है। 2019 में यहाँ देखिए होम किचन ओपन किया गया जिसके तहत, मतलब होम किचन चालू किया गया जिसके तहत पहला रेस्टोरेंट बांग्लादेश में ओपन किया गया। तो ये सारे मतलब कंपनी के किस तरह से कंपनी ने प्रोसेस किया, किस तरह से अपने आप को डेवलप किया, उसके बारे में भी यहाँ पर आप जान सकते हैं। तो कंपनी के बारे में कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, सारे डिटेल में पा सकते हैं, और उससे भी बच जाए तो आप उसके एनुअल रिपोर्ट को पढ़ लीजिए जहां से आपको कंपनी के बारे में लगभग सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे आने वाले समय में कंपनी क्या करने वाली है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।